स्कूलों के अंदर पेपर होते छुट्टियां होगी लगभग, लेकिन मैंने कोई भी छुट्टी नहीं की अभी भी। अब मैंने क्या काम किया, बच्चों का बेसिक जैसे टेंस हैं, बच्चों का मैथ में जैसे कि टेबल हैं और बेसिक मैथ है और साइंस, तीन सब्जेक्ट की लगातार 15 अप्रैल तक हमने टाइम टेबल तैयार कर दिया है। और आज सारा का सारा मतलब कल हमारे पेपर खत्म हुए, आज भी हमारे पास बच्चे आए हुए हैं। और हमारा दावा है जिस लेवल से हम स्कूल पे जा रहे हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि उस लेवल पे कोई भी स्कूल प्राइवेट नहीं होगा। हम यहां पर बच्चों को प्रिपेयर करेंगे, जो बच्चा हमारा छठी से आएगा ना उसके लिए एनडीए एयरफोर्स नेवी तो छोटी सी बात रह जाएगी, क्योंकि हमने परी फाउंडेशन कोर्स जो छठी सातवीं आठवीं में तैयार किया है, हमने नौवीं दसवीं के अंदर हमने फाउंडेशन कोर्स लिया है ताकि बच्चे को आगे जाके किसी भी भर्ती के अंदर जाना हो, चाहे वो हरियाणा पुलिस हो, चाहे एनडीए हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, इनके अंदर किसी भी ट्रेड में जा सकता है बच्चा। और मैं दावा करता हूँ कि अगर मेरे पास कोई भी पेरेंट्स आके ये देखना चाहता है कि आप एक साल में या एक महीने में या एक हफ्ते में क्या क्या कोर्स करवाओगे, मैं आपको वो सब कुछ दिखा सकता हूँ पेपर के ऊपर। यहाँ एडमिशन लेने के बाद उसके बाद जो कोचिंग वगैरह है या अन्य एक्स्ट्रा क्लास है उसकी किसी चीज की जरूरत नहीं, आप पूरी तरह से तैयार। यस सर, यस सर, हमने किसी पेरेंट्स के ऊपर तो छोड़ना ही नहीं। और इसके साथ साथ हमने ये देख लिया कि जो आसपास के गांव के बच्चे हैं, हमारा सपना तो है कि हर गांव में फौजी हो अपना, ठीक है ना, हम वो सपना लेके चले हुए हैं। नमस्कार, कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। हर माता पिता का सपना होता है कि उनके बच्चे किसी अच्छे स्कूल में पढ़ें, अच्छे स्कूल में शिक्षा ग्रहण करें। तो उसी सपने को साकार करने की दिशा में जो पाडला का बीपीआर सीनियर सेकेंडरी स्कूल आगे बढ़ रहा है, आपको बता दें कि इस वर्ष से यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी की शुरुआत भी हो गई है, क्योंकि आसपास के क्षेत्र में हॉस्टल फैसिलिटी नहीं थी, तो एकमात्र ये आसपास के क्षेत्र का पहला स्कूल है जिसमें इस साल से बच्चों को हॉस्टल फैसिलिटी भी मिलेगी, वो भी काफ़ी कम पैसों में, क्योंकि हर माता पिता सोचता है कि हॉस्टल में अगर बच्चे डालेंगे तो कुछ ज़्यादा पेमेंट उनको करनी पड़ती है जो उनकी जेब पर भारी पड़ता है। लेकिन बीपीआर सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने इसकी शुरुआत कर दी है और वो भी काफ़ी कम पैसों में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, लाइक भी करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह मैसेज पहुंच सके। और मैं आपको बता दूं कि एकेडमिक के अलावा स्पोर्ट्स में भी यह विद्यालय दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है। और 2011 में बीपीआर स्कूल की शुरुआत हुई थी जो आज सैकड़ों बच्चों के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। तो आइए पूरी जानकारी के लिए बातचीत कर लेते हैं जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं श्रवण कुमार जी, उनसे कि बीपीआर स्कूल और स्कूलों से किस तरह से आगे है और जो हॉस्टल की शुरुआत की है तो किस सोच के साथ इन्होंने इस साल हॉस्टल की शुरुआत की है, तो आइए जान लेते हैं उन्हीं से। जी सर, नमस्कार सर जी। अगर बीपीआर की बात करें तो किस तरह की बीपीआर की विशेषताएं क्या कुछ हैं और अन्य स्कूलों से किस तरह से अलग है बीपीआर? सर, बीपीआर स्कूल की स्थापना 2011 में की थी जी, और 2011 में मैं से पहले मैं एक प्राइवेट टीचर होता था जी। तो पेरेंट्स की रिक्वेस्ट पे और बच्चों के आशीर्वाद से जी, तो इस संस्था की स्थापना हुई जी। और इस संस्था ने 2011 से लेकर और आज 2022 तक जी, पीछे मुड़ के नहीं देखा जी। हमने 2013 में आठवीं तक की मान्यता मिल चुकी थी जी, और 2014 में हमने प्लस टू तक की मान्यता ले ली थी जी। फिर हमने 2015 के अंदर बीपीआर प्राइवेट आईटीआई के नाम से हमने अपने आईटीआई की स्थापना की जिसके अंदर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है जी। और फिर हमने बच्चों का गेम की तरफ काफ़ी रुझान किया और पढ़ाई की तरफ अच्छा रुझान रहा। 2019 में सर जी, सॉरी 20 में जी, हमारे जो बच्चे थे स्टेट में भी छठा नंबर हमारी गुड़िया का है और डिस्ट्रिक्ट में तीसरा नंबर है जी। तो पढ़ाई में भी हम अव्वल रखते हैं बच्चों को, और साथ साथ में अब दो साल कोरोना ने हमें पीछे धकेल दिया थोड़ा सा, लेकिन अब 2022 में हमने 1 अप्रैल से एडमिशन शुरू किए हैं और उसके अंदर हमने एक अकेडमी की स्थापना की है जी, जिसके अंदर हम बच्चों को यहाँ पर हॉस्टल की सुविधा दे रहे हैं जी, और बच्चों का रहने का खाने का सारा सिस्टम यहीं पर हमने सिस्टम बनाया हुआ है जी। क्योंकि अभिभावकों को चिंता रहती है कि पढ़ाई के साथ साथ उनके बच्चे का सर्वांगीण विकास किस तरह से हो, स्पोर्ट्स की हो, एकेडमी की हो, तो इस बार आपने हॉस्टल की फैसिलिटी की है, तो हॉस्टल में जो खाने पीने का या रहने का सुरक्षा का क्या कुछ इंतजाम किए? सर, हमने रहने के लिए हॉस्टल में अपने बढ़िया रूम हैं जी, बेड वगैरह तैयार किए हैं जी। लेकिन सुरक्षा की जहाँ पर बात आती है वहाँ पर मैं खुद अपनी फैमिली के साथ बच्चों के साथ रहता हूँ जी, और जो खाना बच्चे खाएंगे वही बच्चों के साथ बैठ के मैं खाना खाऊंगा जी। 24 घंटे यहाँ पे मैं उपलब्ध हूँगा जी बच्चों के साथ जी,
और साथ में हमारा ऑस्टन वार्डन होंगे जी। हमारा रूटीन रहेगा कि सुबह बच्चे को 5:30 बजे उठाया जाए, गुड मॉर्निंग होगी जी। और उसके बाद बच्चे को ग्राउंड के लिए हम यहाँ पे अपने पास ग्राउंड तैयार है, कमेटी वाला खेत हमारे वहाँ पे हमने ग्राउंड तैयार कर रखा है, 410 का एक ट्रैक है जी। वहाँ पे हम बच्चों को ग्राउंड के लिए लेके जाएंगे, जो हमारे एक्स सर्विसमैन फौजी हैं वो बच्चों को ग्राउंड कराएंगे और 8 बजे से लेकर 1 बजे तक बच्चों का स्कूलिंग रहेगा। उसके बाद 1 बजे से लेकर 1:30 बजे तक बच्चों का दोपहर का खाना, उसके बाद बच्चों को 1 घंटे का रेस्ट और 3 बजे से बच्चों के एकेडमिक सेशन शुरू हो जाएगा जी। उस एकेडमिक सेशन में अलग से टीचर रहेगा, न कि स्कूल वाला जी। अलग से टीचर रहेंगे हमारे, साइंस का अलग होगा, जीके का अलग होगा, मैथ का अलग होगा जी। तो उसमें हमने शाम के 6 बजे तक एकेडमिक सेशन चलेगा, 6 से 7 फिर ग्राउंड के लिए बच्चों को शाम को फिर खेलने के लिए और ग्राउंड के लिए ले जाया जाएगा। शाम को 8 बजे बच्चों का डिनर वगैरह करा के शाम रात को 8 से लेकर और 11:30 बजे तक हमने शेड्यूल बनाया है कि बच्चे सेल्फ स्टडी करेंगे टीचर की निगरानी में जी। वो रूम में भी हो सकता है, स्टडी रूम में भी, और लाइब्रेरी की स्थापना है, अपने पास लाइब्रेरी है वहाँ पे हम बच्चों को लाइब्रेरी में। तो मतलब पूरा चार्ट आपने बना रखा है? पूरा चार्ट हमने तैयार किया हुआ है और हम बच्चों को 6ठी क्लास से लेकर और +2 क्लास तक, किसी भी क्लास का बच्चा हो, सिर्फ लड़के को हम यहाँ पे ले रहे हैं। इस सेशन में लड़कियाँ भी आ रही हैं, कई गांव से आई हैं, क्योड़क से आई हैं, देवरा से आई हैं, कई लड़कियों के भी आई हैं कॉल, लेकिन हमने कहा भाई इस सेशन में हम पहली बार लड़कों को लेंगे, लड़कियों शुरुआत लड़कों को, क्योंकि मैंने लड़कियों का हॉस्टल का सिस्टम गाँव में बनाना है और वहाँ पर रूम अभी तैयार नहीं है, स्कूल में रूम बहुत हैं लेकिन वहाँ पर हमने लड़कियों के लिए गाँव में तैयार करना है, तो लड़कियों का इस सेशन में नहीं लेंगे हम। यहाँ पर बच्चों को प्रिपेयर करेंगे, जो बच्चा हमारा 6ठी से आएगा ना उसके लिए NDA, एयरफोर्स, नेवी तो छोटी सी बात रह जाएगी, क्योंकि हमने परी फाउंडेशन कोर्स जो 6ठी 7वीं 8वीं में तैयार किया है, हमने 9वीं 10वीं के अंदर हमने फाउंडेशन कोर्स लिया है ताकि बच्चे को आगे जाके किसी भी भर्ती के अंदर जाना हो, चाहे वो हरियाणा पुलिस हो, चाहे NDA हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, इनके अंदर किसी भी ट्रेड में जा सकता है बच्चा। हम तो बच्चे को सिविल के लिए भी तैयार करेंगे कि ताकि बच्चा सिविल सर्विस में फर्स्ट पोजिशन पर आए। मतलब यहाँ एडमिशन लेने के बाद उसके बाद जो कोचिंग वगैरह है या अन्य एक्स्ट्रा क्लास है उसकी किसी चीज़ की जरूरत नहीं, आप पूरी तरह से तैयार? यस सर, यस सर, हमने किसी पेरेंट्स के ऊपर तो छोड़ना ही नहीं जी। और इसके साथ साथ हमने ये देख लिया कि जो आसपास के गांव के बच्चे हैं, हमारा सपना तो है कि हर गांव में फौजी हो अपना जी, ठीक है ना, हम वो सपना लेके चले हुए हैं, लेकिन इसके साथ हमने एक चीज़ रखी है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो हॉस्टल का खर्च नहीं वहन कर सकते जी, लेकिन उनके लिए हमने डे बोर्डिंग सिस्टम बना दिया, जो बच्चे कमज़ोर हैं और घर जाके पढ़ते नहीं हैं तो उनके लिए हमने डे बोर्डिंग कर दिया कि बच्चा सुबह आएगा, शाम को अगर एक गांव के बच्चे 10 से ज़्यादा हैं तो हमारी वैन छोड़ के आएगी, अगर बच्चे कम हैं देखो उसके लिए हमने पेरेंट्स के साथ कंप्रोमाइज किया है कि आप खुद लेके जाओ अपने बच्चे को, शाम को 7 बजे से 8 बजे से किसी भी टाइम अपने बच्चे को लेके जाएं, हम शाम को बच्चे को यहीं पर पढ़ाएंगे और यहीं पर रखेंगे जो कमज़ोर बच्चे हैं जी। सरवण कुमार जी, अक्सर देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्र में जैसे आपने हॉस्टल की शुरुआत की है तो हॉस्टल ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी कम होते हैं, और ये जो हॉस्टल वाला आइडिया आपको कहाँ से आया? सर, मैंने अपने बच्चे का एडमिशन है जो सीकर कराया था जी, और वहाँ पे मैंने देखा कि कम से कम वहाँ पर सैकड़ों मतलब अकेडमी है और जो बच्चे वहाँ पर रूटीन बना रखे हैं ना पढ़ाई का कि सुबह उठना, टाइम टेबल, चार्ट, एक हॉस्टल में बन सकता है, घर जाके नहीं बन सकता बच्चे का। बच्चा मेरे पास कितने घंटे रहता है? सुबह 8 से 2 बजे तक, शाम को बच्चा घर चला जाता है, पेरेंट्स इतने बिजी हैं कि चाहे वो घर आके फ़ोन पे बैठ जाते हैं लेकिन उसको टाइम नहीं अपने बच्चे को संभालने का, सबसे बड़ी कमी ये रहती है हमारे समाज में। तो हमने सोचा कि भाई बच्चे को अगर हमने आगे लेके जाना है तो हम क्या करेंगे, अपने हॉस्टल बनाएंगे, हॉस्टल में हमारा खर्चा भी मामूली सा खर्चा है सर जी। अगर जो मैं देखो किसी स्कूल का नाम नहीं लेना चाहता, जो हमारे बड़े स्कूल कहते हैं हम कैथल डिस्ट्रिक्ट में या मतलब बाहर, तो उन स्कूलों का एक बच्चे का अप डाउन का इतना खर्चा जितना हमारा विद हॉस्टल है जी, ठीक है ना सर। हम खर्चे के बारे में अगर पेरेंट्स ग्रामीण क्षेत्र में बैठे हैं, हमारा खर्चा तो मामूली सा है, ये सोच लो कि हमने कैथल बड़े स्कूल की फीस दे ली और यहाँ हॉस्टल के साथ दे ली जी, बस। तो मतलब दोनों सुविधाएं उपलब्ध हैं, रूटीन में भी बच्चे यहाँ आ सकते हैं और हॉस्टल की सुविधा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब अभिभावकों को क्या विश्वास दिलाओगे अपनी तरफ से? देखो सर, अभिभावकों को विश्वास तो एक सर्वण पे विश्वास है कि सर्वण जो काम कहता है वो करता है जी। और बल्कि लोग तो मेरा मजाक भी उड़ाते हैं कि वो हर साल कुछ ना कुछ नया लेके आता है जी। देखो सर, नया तो तभी लेके आएंगे जब आदमी के अंदर सोचने की शक्ति होगी, नहीं तो हमारे पास ऐसे स्कूल हैं जो जहाँ 1ली से 12वीं तक खुले थे, खुले ही हैं, स्कूल ही स्कूल रह गए, हमने उसके बाद हर साल कुछ नया सोचा है और बच्चों के हित में सोचा है और माँ बाप को मद्देनजर रखते हैं कि भाई माँ बाप के ऊपर वजन भी ना पड़े। मैं तो ये कहता हूँ माँ बाप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को हॉस्टल में मतलब दाखिला दिलाएं ताकि उनके ऊपर बसों का चार्ज हट जाए और सारा सिस्टम और खाने की रहने की सारी सुविधा मैं अपने आप अच्छी दूंगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा माँ बापों को ये हो।
मैंने ऐसा करना है घर का खाना भूल जाएं बच्चे हॉस्टल का खाना खाने के बाद जी, ऐसा सिस्टम बनाना है सर। जी जी श्रवण कुमार जी, मतलब इसके अलावा मतलब लाइब्रेरी का क्या सिस्टम है, स्पोर्ट्स का क्या सिस्टम है, एकेडमिक का क्या सिस्टम है, और जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं उनके लिए अलग क्लासेस की कोई व्यवस्था होगी, और जो टीचर हैं वो पेरेंट्स देखता है कितने क्वालिफाई हैं? देखो सर, टीचर तो जो मेरे पास स्कूलिंग टीचर हैं सारे के सारे MA BEd JVT वो तो सारे क्वालिफाइड हैं ही हैं, लेकिन जो एकेडमिक सेशन के लिए हैं वो मैंने देखे हैं कि दो सर तो मेरे पास गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए हैं जो पहले टीचिंग लाइन में थे और वो स्कूल में ही गवर्नमेंट जॉब है, उन्होंने स्पेशल मेरे को कहा है कि सर आप यहाँ पे करिए और हम सेवाएं देंगे बहुत बढ़िया वाली, ठीक है ना, जिन्होंने पेपर पास करके सर्विस प्राप्त की है और वही मेरे पास सेवाएं देंगे, वो अलग से रहेंगे टीचर एकेडमिक सेशन से। दूसरी बात है कि हॉस्टल और लाइब्रेरी की, जो बच्चे मान लेते हैं प्लस टू करने के बाद बच्चा सोचता है कि मैंने आर्मी में जाना है एयरफोर्स में जाना है, और हमारे बच्चे दूर दूर तक जाते हैं, कोई रोहतक जाता है, कोई मतलब हिसार जाता है, कोई सीकर जाता है, उनके लिए हमने फाउंडेशन कोर्स के नाम से आफ्टर प्लस टू टारगेट बैच बोलते हैं उसको, हम उसको हम रखेंगे, जैसे कि सुबह बच्चे को ग्राउंड कराया, खाना खिलाया सुबह का और लाइब्रेरी में बिठा दिया, वो इतने बच्चों की स्कूलिंग चलेगी वो लाइब्रेरी अटेंड करेगा, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ेगा, ठीक है ना, वहाँ पे उसके पास कोई फ़ोन नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, सिर्फ उसे पढ़ना है, शाम को एकेडमिक सेशन करेगा वो, नाइट में फिर पढ़ेगा। तो लाइब्रेरी का हमने इसलिए स्थापना की है कि ताकि हम बच्चों को, जो बच्चे हमारे टारगेट बैच के आएंगे उनके लिए स्पेशल लाइब्रेरी का सिस्टम बनाया हमने। जी श्रवण जी, आपके आसपास यहाँ पाड़लाख क्षेत्र में और भी स्कूल हैं, तो BPR को ही क्यों चुने, क्या कुछ इसमें और स्कूलों से क्या कुछ अलग? देखो सर, मैं ये कहता हूँ मेरे आसपास बहुत अच्छे स्कूल हैं, ठीक है ना, लेकिन उन अच्छों में भी हमारा स्कूल बहुत ही अच्छा है, ताकि हम बच्चों की तरफ ध्यान देते हैं। मैं शुरू से ही शिक्षा लाइन से जुड़ा हूँ, पहले मैं एज ए टीचर रहा, फिर हमारा स्कूल बन गया, तो मेरे को बारीकियों का पता है। कुछ स्कूल साथी हैं जो स्कूल के साथ नहीं जुड़े हुए, ना उनका कोई सब्जेक्ट है, मेरा खुद का मैथ सब्जेक्ट है, और मैं टाइम टू टाइम बच्चों को संभालता रहता हूँ, और हर प्रकार से स्टाफ के ऊपर भी मेरे पास प्रिंसिपल भी है, क्लर्क भी है, और PTI भी है, ठीक है ना, अनुभवी है सारे के सारे। तो हमारा सभी का एक उद्देश्य है कि भी हमने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वो करना है। अब स्कूलों के अंदर पेपर होते, छुट्टियाँ होगी लगभग, लेकिन मैंने कोई भी छुट्टी नहीं की अभी भी। अब हमने क्या काम किया, बच्चों का बेसिक जैसे टेंस हैं, बच्चों का मैथ में जैसे कि टेबल हैं और बेसिक मैथ है और साइंस, तीन सब्जेक्ट की लगातार 15 अप्रैल तक हमने टाइम टेबल तैयार कर दिया है, और आज सारा का सारा, मतलब तो कल हमारे पेपर खत्म हुए, आज भी हमारे पास बच्चे आए हुए हैं, और हमने सभी बच्चों को टेंस प्रॉपरली और इंग्लिश स्पीकिंग और साथ में मैथ के बेसिक और साइंस के बेसिक 15 दिनों तक हमने बच्चों को पूरा प्रिपेयर करना है, और 15 से हम अपना सेशन शुरू कर देंगे बुक्स के साथ। इतने 15 दिनों में बच्चे अपने बुक्स वगैरह प्रोवाइड कर देंगे। जैसे हॉस्टल की आपने शुरुआत की है, तो किस तरह का रिस्पांस आसपास के क्षेत्र का मिल रहा है? सर, रिस्पांस की बात ऐसे, हमने एक बार ऐड किया अभी, कन्वेंसिंग नहीं की, तो उसमें हमारे पास हमने पहला टेस्ट लिया था 27 फरवरी को, उसके अंदर हमारे पास 50 बच्चे आए थे, उनमें से 25 बच्चों ने टेस्ट पास किया, और हमने उन पेरेंट्स को वो रिजल्ट दे दिया। पेरेंट्स की इंक्वायरी आई, यहाँ पे भी आए, उन्होंने कहा सर हमारे बच्चे अभी पेपर दे रहे हैं, पेपर होने के बाद हम 1 अप्रैल के बाद आपसे मिलेंगे, और लगभग उनमें से 25 में से मैं ज़्यादा तो कहते हैं सर 15 बच्चे हमारे पास आएंगे, उनमें से कुछ लड़कियाँ हैं उनको हम ले नहीं रहे, तो लेकिन 15 बच्चे हम उनमें से ले लेंगे। अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है, और इंक्वायरियाँ आन लग रही हैं, डेली के 2-4 फोन आ रहे हैं, और तो UP से और इसे क्या नाम लेकर अपना BR से बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, क्योंकि फेसबुक आज आजकल ऐसा सिस्टम है सर, मैंने उसके ऊपर डाल दिया, काफ़ी बच्चे दूर दूर से आ रहे हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि लड़कों के अपेक्षा लड़कियाँ ज़्यादा वो हैं, काफ़ी लड़कियों के आते हैं सर हमें, भाई इतनी दूर से लड़कियाँ तो बहुत मुश्किल है, मतलब फर्स्ट टाइम है, तो इसलिए हम ये सोचें कि भाई लड़के हों चाहे किसी भी दिशा से हों कहीं से भी हों, हम लड़कों को ले लेंगे लेकिन लड़कियों को नहीं लेंगे। हमारे चैनल की ओर से क्या कुछ मैसेज आप दोगे? सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहता हूँ कि यह चैनल दिन दुगनी और रात चौगुनी उन्नति करे, और हमारी बात को समाज के सामने लेके आए और सच्चाई सभी लोगों को दिखाए। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ BPR स्कूल के जो डायरेक्टर हैं श्रवण कुमार जी, जिन्होंने अभिभावकों को विश्वास भी दिलाया कि वो हर दृष्टि से बच्चे का सर्वांगीण विकास करेंगे, और आपको बता दें कि ये ग्रामीण क्षेत्र में आसपास में हॉस्टल की फैसिलिटी इस साल से देंगे। तो आइए बातचीत कर लेते हैं जो BPR स्कूल के प्रिंसिपल हैं रविंदर सिंह, उनसे कि किस तरह से बच्चों को यहाँ पढ़ाया जाता है और किस तरह की जो शिक्षा दी जाती है। जी रविंदर जी। देखिए सर, मैं रविंदर सिंह BPR में पिछले 2 महीने से एज ए प्रिंसिपल हूँ। जो मैंने बच्चों को स्टडी किया, कुछ बच्चों को इवन टेंस बिल्कुल नहीं आते, जिस बच्चे को टेंस भी नहीं आएंगे वो बच्चा क्या सीखेगा। अभी देखिए, हमारे पास बुक्स भी तैयार नहीं हुई, और ज़्यादातर स्कूल छुट्टी कर देते हैं इन दिनों में,
मैंने बच्चों की छुट्टी ना करके हमारा स्कूल कंटिन्यू है और मैं बच्चों को बिल्कुल ग्रास रूट से अभी टेंस करवा रहा हूँ और हर बच्चे को एक एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर दे दिया है, वो उसमें से न्यूज़ बनाए और हर रोज एक शब्द इंग्लिश का सीखे और टेंस पूरे सीख ले। और मैं कहता हूँ कि मेरा बच्चा एक साल में 365 वर्ड इंग्लिश के नए सीखेगा। आप देखिए, जिसके पास इंग्लिश के ज़्यादा वर्ड होंगे वो बच्चा उसी भाषा में परिपूर्ण हो जाएगा। और मैं दावा करता हूँ कि अगर मेरे पास कोई भी पेरेंट्स आके ये देखना चाहता कि आप एक साल में या एक महीने में या एक हफ्ते में क्या क्या कोर्स करवाओगे, मैं आपको वो सब कुछ दिखा सकता हूँ पेपर के ऊपर और बिल्कुल बाकायदा साइन करके आपको दे सकते हैं। और हमारा दावा है, जिस लेवल से हम स्कूल पे जा रहे हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि उस लेवल पे कोई भी स्कूल प्राइवेट नहीं होगा। और फीस वाइज हमारी फीस लगभग सबसे कम है जी। इसी के साथ और ज्यादा मैं क्या बोलूं, आप थोड़े से ही ज्यादा समझ जाएंगे। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट।